हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीयूईटी की तरफ से एक करंट अपडेट है। अपडेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस अपडेट का इंतजार आप लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे। तो अपडेट में बता दूं कि फाइनली अगेन एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है उन सभी स्टूडेंट का जिनका एग्जाम प्रॉपर वे में नहीं हो पाया था। बात करूं 4, 5, 6 अगस्त की, इस डेट में जो एग्जाम लिए गए थे इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम ड्यू टू सम रीजन नहीं हो पाया था, लाइक टेक्निकल इशूज, या फिर लास्ट टाइम पे सेंटर चेंज कर देना, या फिर सर्वर का डाउन होना। तो इन सभी रीजन की वजह से एग्जाम सही वे में नहीं हो पाया था। तो बोला गया था कि उन सभी स्टूडेंट जिनका एग्जाम सही से नहीं हो पाया है उन सभी का एग्जाम जो है 24 से 30 अगस्त के बीच लिया जाएगा। तो फाइनली अगेन एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग चेक करना स्टार्ट कीजिए कि किन किन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया है। जिन जिन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है वहाँ पे डेट मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा, सेंटर कहाँ पे पड़ा है वो मेंशन होगा, और सबसे बड़ी बात की कोड मेंशन होगा जो आपको कोड एग्जाम देने हैं। यहाँ भी एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेरी मारी कि मैम जो 4 तारीख को मैंने एग्जाम दिया था, 2 पेपर तो अच्छा गया था बट 3rd पेपर अच्छे से नहीं गया था, सबमिट नहीं हो पाया था, तो क्या सारे पेपर का देना पड़ेगा या फिर जो अच्छा नहीं गया उस पेपर का देना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड पे जो कोड लिखा हुआ है, जो भी पेपर का कोड लिखा हुआ स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में, या फिर दोनों स्लॉट में, वो सारे कोड का पेपर आपको देना है, ठीक है। तो आप कोड देखिए अपने एडमिट कार्ड पे, जो जो कोड लिखा है उसके पेपर्स के एग्जाम देने हैं। और ज्यादातर यही हो रहा है कि अगर आपका 2 पेपर अच्छा गया और 1 पेपर खराब गया तो भी आपको 3 पेपर के एग्जाम अगेन देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही इन्फॉर्मेशन। आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।